वेलकम बैक, विशाल गुप्ता आपका टीचर। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, उसका सलूशन कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसे पिछले दो क्वेश्चन थे, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी आप इजीली मेरे साथ कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। चलिए हम स्टेटमेंट शुरू करते हैं। पास एंट्रीज इन द बुक ऑफ गांगुली एंड सन्स अज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शंस हैज बीन एंटर्ड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये विद इन स्टेट वाला ही क्वेश्चन है जिसमें जीएसटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी में, ठीक है जी। तो गाइस, इसमें स्टेटमेंट में परचेज है, सेल है, परचेज अगेन, फिर प्रिंटिंग का खर्चा पे किया है, कमीशन रिसीव किया और आउटपुट सीजीएसटी को एडजस्ट किया है अगेंस्ट इनपुट जीएसटी के साथ, ठीक है। ये हमें करके दिखाना और अज्यूम कर रहे हैं कि रेट 6% ईच है सीजीएसटी और एसजीएसटी का। ये हमें बुक में क्वेश्चन नहीं है, मतलब दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, ठीक है जी। तो ये मैंने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस, एक चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको बड़ा ही पेशेंसली काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी ताकि हम अपने क्वेश्चन को गलत ना करें, राइट हो। तो चलिए हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन के फर्स्ट पॉइंट की, क्या कहना चाह रहा हूँ। एक एक करके जर्नल एंट्रीज हम पास करते जाते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम अपने जर्नल का फॉर्मेट पूरा कर लेते हैं, डेट है, ये पर्टिकुलर्स है, ठीक है जी। गाइस, यहाँ लेजर फोलियो आता है, आपको पता है ये डेबिट है, क्रेडिट है, रुपीज है, राइट हो जी। चलो, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन कह रही है परचेज गुड्स फॉर रुपीज 2 लाख एंड मेड पेमेंट बाय चेक। तो ठीक है, ये तो सिंपल है, परचेज है जो बैंक करना चाहिए था, लेकिन जीएसटी होने की वजह से साथ में हम जीएसटी की एंट्री कर लिए। और डेट इसकी क्या है गाइस, डेट इसकी है, डेट में सीरियल नंबर 1, ओके। तो यहां पे आएगा परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पेमेंट हुई है, सिंपल ट्रांजैक्शन की एंट्री बन जाएगी। बी गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, दैट्स इट, राइट फ्रेंड्स। चल, ये हम अब बात करेंगे आगे इसकी अमाउंट कितने कैसे लिखनी है। परचेज का अमाउंट गाइस 2 लाख है, 6% ईच टैक्स होने की वजह से ये 12,000 ईच बन जाएगा। ये कितना बनेगा गाइस, 12,000 ईच, ये आएगा 2,24,000। ये कितना बनेगा, 2,24,000, ठीक स्टूडेंट्स, कितना बन गया 2,24,000। तो चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, गुड सोल्ड फॉर रुपीज 1,60,000 टू देवकी नंदन एंड सन्स। तो सेल क्या है, तो यहाँ पे सेकंड ट्रांजेक्शन में हमारे पास आएगा देवकी नंदन एंड सन्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, राइट हो। तो सामान कितने का बेचा है भाई हमने, 1,60,000 का। तो 1,60,000 का 6% अगर मैं बात करूं तो 9,600 आएगा। तो 9,600 ईच हमें यहां पे ये टैक्स पे कर देना है और इसको हमने कैसे दिखाना है, ठीक है जी, 179,200 ये हमारा टैक्स आ जाएगा, राइट हो। तो यहां आ जाएगा, मैं टैक्स का इंक्लूड करके पूरी फिगर आ जाएगी। बी गुड्स sold on, sold on credit, ठीक है जी। तो गाइस, ये हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन आ गई। चलिए थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कह रहे हैं हम, तो थर्ड ट्रांजैक्शन हमें कह रहा है कि परचेज गुड्स, अगेन परचेज की गुड्स 50,000 की, लेकिन इस बार क्रेडिट है, माइंड क्रेडिटर का नाम नहीं दिया होगा तो हम सिर्फ क्रेडिट करके ही या क्रेडिटर करके ही लिखेंगे, राइट हो। तो चलिए यहाँ लिखते हैं परचेजेस, यहाँ क्या आएगा purchases account debited, ठीक है जी, यहाँ फिर आ जाएगा input cgst account debited, इसमें आ जाएगा input sgst account debited,
टू क्रेडिटर्स, ठीक है जी, टू क्रेडिटर्स। तो यहाँ नरेशन आप लिख रहे हैं ना, बी गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, बी गुड्स परचेज, सॉरी मैं सोल्ड बोल गया गलती से, सॉरी परचेज ऑन क्रेडिट, ये नरेशन आ जाएगी। तो अब सामान बिका कितने का थर्ड ट्रांजेक्शन में, 50,000 का, ठीक है जी, कितने का बिका बच्चे, 50,000 का ये सामान बिका, और 6% ईच के हिसाब से ये 3,000 का टैक्स आ जाएगा। तो ये आ गया 3,000 का टैक्स, और ये कितना बन गया 56,000, ये कितना आ गया गाइस 56,000 आ गया। तो ये तीन ट्रांजेक्शन हमारी पूरी हो गई, ठीक है जी, आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, मैं फिर आगे बाकी दो ट्रांजेक्शन करके आपको बताता हूँ कि इसको ऑफसेट कैसे करना है, राइट जी। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर इसी को कंटिन्यू करते हुए इसकी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए जरा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को क्या कह रहा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन उसकी है कि प्रिंटिंग का खर्चा पे किया है, तो प्रिंटिंग का खर्चा जो हमने पे किया है ना गाइस, उसको भी हमने खर्चे को तो डेबिट करना है, लेकिन एक्सपेंसेस के साथ आपको अच्छी तरह पता है क्या आता है, एक्सपेंसेस के साथ इनपुट शीट दिया आता है, ठीक है, तो हमारी ट्रांजेक्शन की जो एंट्री रहेगी उसमें भी हमें वही करना है, इनपुट सीजीएसटी ही दोनों तरफ करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है जी। चलिए ये एक बार मैं इसको इरेज कर दूं, फिर मैं आपको एंट्रीज बताता हूं। पहली चलिए ये हो गया इरेज, तो अब यहां पे एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये और ये, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है, हम ऊपर से एंट्रीज को शुरू कर देंगे, राइट। चलो यहां पे जो हमारी अब फोर्थ है वो प्रिंटिंग के खर्चे की एंट्री है, तो यहाँ पे फोर्थ करेंगे हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू, हमने कैश में पे किया ना, यस कैश में पे किया है, तो साथ में हमें इनपुट भी आएगा ना, तो यहाँ इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, ठीक है गाइस, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये भी डेबिट हो जाएगा, ये भी डेबिट हो जाएगा, टू क्या आ जाएगा, कैश से पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि चेक से नहीं बोला उसने, तो हम ये पेमेंट कैश से कर देंगे, ठीक है जी। और कितने का खर्चा हुआ है, 4,000 का, 4,000 का तो ये गाइस खर्चा हुआ है, 6% टैक्स लगेगा, तो 240 रुपये आ जाएगा, 240 ईच, तो ये आ जाएगा 240 480 4480 गाइस, ठीक है, 4480 की हमारी पेमेंट हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे बीन कैश पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ओके। उसके बाद फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन में हमारे पास रिसीव फॉर कमीशन, गाइस इसमें कमीशन रिसीव हुई है, इनकम रिसीव हुई है, जब भी हमें इनकम रिसीव होती है, चाहे वो सेल के रूप में, चाहे रेंट रिसीव के रूप में, चाहे इंटरेस्ट रिसीव के रूप में, या कमीशन रिसीव के रूप में, तो हमेशा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी ही आता है, ठीक है जी, एक्सपेंसेस के साथ इनपुट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी कमीशन रिसीव हुई है, तो कमीशन कैश से रिसीव हुई है, बैंक से तो नहीं हुई ना, हाँ कैश ही मिला है, तो उसने नहीं बताया कि चेक मिला है, ठीक है, रिसीव कमीशन, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है गाइस, टू क्या आएगा, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव अकाउंट, ठीक है गाइस। उसके बाद यहां आ जाएगा टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, ठीक है जी, और यहां आ जाएगा टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है जी। ये एंट्री कितने की है, ये अमाउंट है हमारे पास 5,000 का, 5,000 का 6% अगेन 300 रुपये बन जाएगा, ये टैक्स 300 का आ गया, और यहाँ 5,600 बन गया, टोटल अमाउंट हमें कितना मिला 5,600। अब हमें किसकी एंट्री करके दिखानी है, हमें पूरा पहले ऑफसेट करके दिखाना है और उसकी जर्नल एंट्री करनी है, हमें ये काम को पूरा करने के लिए आपको पता है ये थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को, तो आप ये जब तक एंट्री बोल रहे हो मुझे ये पूरा बोर्ड खाली करना पड़ेगा, ब्लैंक करना पड़ेगा मेरा मतलब, ठीक है जी। चलिए आप करिए इसको नोट करिए आप, चलिए ठीक है जी, मैं अब आपको प्लान करके देता हूँ बोर्ड को, फिर एक एक करके इसकी एंट्री करते हैं, ठीक है जी। इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है कि इसको ऑफसेट कैसे करना है, ठीक है। चलिए
तो हमारे पास सेल की तो एक ही एंट्री थी, हमें उसको ऑफसेट कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। चार कॉलम बनेंगे, चार चीजें हमें साथ के साथ ही दिखानी पड़ती हैं, इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है, फिर इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है, उन्हीं के साथ इन सब का एक दूसरे के साथ ऑफसेट होता है, ठीक है गाइस। चलिए तो ऊपर वाली जगह रहने देते हैं एंट्री के लिए, नीचे में सबसे पहले लिख रहा हूं आपको इनपुट, ठीक है, ये क्या लिखेंगे हम, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सी जी एस टी, ये हमारे पास कितना है गाइस, इनपुट सी जी एस टी सबसे पहले मेरे पास आया 12,000 का, ठीक है जी, आपकी पहली ट्रांजेक्शन से वो हमें कितना मिला था 12,000 का। दूसरा गाइस कितना मिला था परचेज, दूसरी पर 50,000 हुई, तीसरी ट्रांजेक्शन से दूसरी परचेज तीसरी ट्रांजेक्शन हुई थी ना, तो ये आ गया 3,000 का गाइस, ये 3,000 आ गया। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद बिल्डिंग स्टेशन में भी 240 ऐड कर रहे हैं हमें, ठीक है जी, 240 हमें क्या करने हैं, ऐड करने हैं, तो ये बन गया 15,240, ये कितना बन गया 15,240, तो उसी तरह 15,240 है तो ये इनपुट एसजीएसटी भी तो उतना ही आएगा ना गाइस, ठीक है, 12,000 ही किया और 3,000 ये थर्ड ट्रांजेक्शन से है, ये फोर्थ ट्रांजेक्शन से आया था और ये 15,240, ठीक है गाइस, तो इसका टोटल कितना बना, इसके अगर मैं टोटल की बात करूं ये बन गया 30,480, ये कितना बन गया 30,480, ठीक है जी। अब हमें आउटपुट का हिसाब बनाना है, अब आउटपुट क्या करेंगे, आउटपुट सी जी एस टी आएगा, करिए आउटपुट सी जी एस टी कितना आया हमारे पास, पहली सेल कितनी थी बेटे 1,60,000, हमारे पास कितनी थी 1,60,000, कलेक्ट ज्यादा हो गया इसका मतलब, हाँ जी, ओह 1,60,000 नहीं आया, मैंने पूरा ही दिया 9,600 आया, उसमें मैंने पूरी सेल भी लिख दी 9,600 आया, 9,600 ये हमारा एक आया, दूसरा हमारा कमीशन के साथ था 5,000 के साथ, ये था 300, ठीक है, ये कितना आया 300, तो ये हमारे पास कितना बन गया 9,900, तो ये बन गया 9,900 और दूसरा भी आउटपुट एस जी एस टी कितना आया 9,600 प्लस 300 इज इक्वल टू 9,900, राइट गाइस, तो ये कितना बन गया आपका 9,900 1,19,800, तो ये 19,800 हमारा इसके साथ एडजस्ट होगा, ठीक है जी। अब ये देखिए आप ये पेड़ कितना करके आ चुके हो, पेड़ आप ज्यादा करके आए हो, कलेक्ट आपने अभी कम किया है, तो इसलिए अभी आप गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में कुछ जमा नहीं कराओगे, सिर्फ इतना 19,800 ही एडजस्ट करके दिखाएंगे, ऑफसेट कर जिसको बोलते हैं। तो चलिए इसकी एंट्री हम यहाँ करते हैं उसी फॉर्मेट से आगे उसको एक्सटेंड करते हुए, हमारे पास टोटल ट्रांजेक्शन कितनी थी यहाँ पे गाइस, 5 ट्रांजेक्शन हो चुकी है, छठी की एंट्री में आपको करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, तो छठी ट्रांजेक्शन में आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को ऑफसेट कर देंगे करके, उसके बाद गाइस क्या करना है, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्या करेंगे, अगेन डेबिट कर देंगे टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है, एंड टू इसका बैंक में तो कुछ नहीं जाएगा, हमें सिर्फ 19,600 एडजस्ट करना, मतलब ये 9,900 के साथ ये और यहाँ 9,900 अगेन ये, ठीक है जी, और ये 9,900 ये और 9,900 ये 9,900 ही ये, यही इतना ही एडजस्ट करेंगे। और बाकी गाइस आप स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे काफी लोग कि बाकी पैसे का क्या होना, सर बाकी पैसा सरकार को जमा कराया हुआ है ना, वो सरकार के पास ही अभी आपकी एसेट के फॉर्म में उनके पास ही डिपॉजिट है, आप सेल करते जाओगे तो वो उतना ऑफसेट आपको मिलता जाएगा, जब आपकी सेल एक पर्टिकुलर पीरियड में ज्यादा होती है तब आपको वो एक्सेस अमाउंट जमा करना पड़ेगा, जब तक ये आपका कम है ये आपको ऑफसेट का बेनिफिट मिलता रहेगा, ठीक है जी। तो यहाँ से सिंपल नरेशन लिख लीजिए, बीइंग जीएसटी ऑफसेट,
ठीक है जी, दैट्स इट। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो देखना ना भूलना। डन।